Chairman and Managing Director, Shri Ved Sadhan. समय है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के एक संक्षिप्त परिचय आप सभी से करा दूं। श्री एस ए मुदगेरीकर हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑन 1/10/2000. श्री मुदगेरीकर हैज रिमेंड एन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर. ही हैज पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम IIM बैंगलोर. ही हैज वाइड एक्सपीरियंस इन and supply chain management and has worked in the Indian Railway in various capacity as an IRDS officer. Before joining RCS, he has worked as Director of Marketing and Corporate Planning of Central Warehousing Corporation. He has also served the Director on the board of Concor AR Limited, National Multi Commodity Exchange, IFCO CRWC JV, Maharashtra SWC and West Bengal SWC. He has worked as Chief Commercial Manager, CPRO, Senior Divisional Commercial Manager in the Indian Railway, and Chief General Manager of Concor. He has received extensive training in the field of management and some of the world's best institutes like IIM Bangalore, IIM Kolkata, INSEAD Singapore, ICLIF Malaysia, Syracuse University USA Anthropic Port Training, China Europe Management School. He has in-depth knowledge about the supply chain logistics and is also involved in policy making for further development of the field. और निरीक्षण वाहन धीरे धीरे परेड की तरफ, निरीक्षण वाहन धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है. आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार. मातृभूमि भारत माता, परम पवित्र तिरंगा यांना वंदन करून आपण भारताचा 73वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहोत. समारंभात उपस्थित RCF परिवारातील सदस्य, कार्यरत सर्व संस्था, गणतंत्र दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि यह भारतीय संविधान का स्थापना दिवस है. इस साल हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. यह समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह के लिए शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2030 को समाप्त होगा. आइए जानते हैं चौंबे इकाई की कुछ उपलब्धियों के बारे में. वर्ष 2021 के लिए उर्वरक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स नई दिल्ली से ऊर्जा दक्षता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड. लगातार तीसरे वर्ष 2020-21 के लिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स ऑपरेटिंग यूनिट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रदर्शन के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार. वर्ष 2021 के लिए ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेडा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र पुरस्कार. वर्ष 2021 के लिए ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 21वां वार्षिक ग्रीन टेक फाउंडेशन एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड. जैव उर्वरक के उत्पादन संवर्धन और विपणन के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार. भारत में 2021 में सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रचार और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार. वर्ष 2021 के लिए पर्यावरण संरक्षण और सेफ्टी एक्सलेंस में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 21वां वार्षिक ग्रीन टेक फाउंडेशन पर्यावरण पुरस्कार. R&D बायो आगरी ने केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, एक अभिनव और पर्यावरण के अनुकूल जैव उर्वरक उत्पाद जियोला को दिनांक 10 सितंबर 2021 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली में माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी के कर कमरों द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. इस उत्पाद को
4 अक्टूबर 2021 को दक्षिण बेंगलुरु कार्यालय में और 9 अक्टूबर 2021 को सातारा में विपणन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लोरोदा जो कि शहरी उद्यान किट है, इसका पहला उत्पादन 150 नग के साथ दिनांक 27 नवंबर 2021 को शुरू किया गया है। इसके साथ ही जो सराहनीय काम किए हैं उसमें सुफला सुजला का दैनिक सर्वोच्च उत्पादन, अमोनियम बाइकार्बोनेट बायोदा माइक्रोदा का दैनिक सर्वोच्च सेल, उच्चतम आईपीडी प्रोडक्ट बिक्री जैसे कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया जा सकता है। यह सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण और प्रयत्नों से ही संभव हुआ। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं को बधाई देता हूं। अब जानते हैं श्री राजकुमार कुलकर्णी जी के नेतृत्व में थल इकाई की उपलब्धियों के बारे में। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्ष 2019-20 के लिए FAI अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सलेंस, यह उपलब्धि लगातार चौथे वर्ष थल इकाई को प्रथम आने के लिए दी गई है। श्री नागनाथ शेठे ने 25/9/2021 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित आउटस्टैंडिंग यंग इंजीनियर्स प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इंडियन केमिकल काउंसिल ने वर्ष 2020 के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। 15 जुलाई 2021 को ग्रो केयर इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2021 द्वारा थल इकाई को गोल्ड अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। 27 अगस्त 2021 को सोनमर्ग में ग्रीन टेक इफेक्टिव सेफ्टी कल्चर अवार्ड 2021 भी थल इकाई को प्राप्त हुआ है। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं थल टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र राज्य में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ₹75 लाख महासचिव मुख्यमंत्री राहत कोष मंत्रालय मुंबई को दिनांक 18/9/2021 को दिए गए हैं। मुंबई स्थित साहित्यिक संस्था आशीर्वाद के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए मुंबई के सभी 64 सार्वजनिक उपक्रमों में से RCF को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार RCF को महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के करकमलों द्वारा राजभवन में प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए RCF को उत्कृष्ट रेटिंग जारी की है। RCF को कॉरपोरेट गवर्नेंस श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक एक्सलेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस अवार्ड 2021 भी प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए कंपनी सेक्रेटरी और IT टीम की मैं सराहना करता हूं। अब जानते हैं कि वितरण विभाग की उपलब्धियों के बारे में। दिसंबर 2021 तक 4.24 लाख मेट्रिक टन सुफला 15 की बिक्री की गई। दिसंबर 2021 तक 100 किलोलीटर बायोदा की बिक्री की गई। दिसंबर 2021 तक 297 किलोलीटर माइक्रोदा की बिक्री की गई। ट्रेडिंग के लिए चालू वर्ष में NPK ग्रेड 15-15-15 का आयात किया गया और दिसंबर 21 तक 51,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन की बिक्री हासिल की। बिक्री में दिसंबर 2021 तक उर्वरक बाजार हिस्सेदारी 5.4% हासिल की है। इन सभी नए कीर्तिमानों की मैं सराहना करता हूं। RCF ग्राहक संबंध प्रबंधन विपणन विभाग के माध्यम से कृषि कार्यक्रम एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। उसमें 100 किसान सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत RCF की ओर से कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालयों के सहयोग से उर्वरक का पोषणीय एवं संतुलित प्रयोग इस विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का यशस्वी आयोजन किया गया है। नवीनतम जैविक उत्पाद जियोला के प्रचार एवं प्रसार हेतु CRM विपणन विभाग ने स्वनिर्मित एवं निर्देशित वीडियो द्वारा
कुशकों के मार्गदर्शन में विशेष भूमिका निभाई है। इन सभी उपलब्धियों के लिए उर्वरक विपणन टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आईपीडी विभाग ने मार्केट की अस्थिरता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य कर औद्योगिक उत्पादों की बिक्री का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, जैसे कि दिनांक 9 जनवरी 2022 को रुपीस 9.39 करोड़ का सर्वाधिक दैनिक सेल्स टर्नओवर, दिसंबर 2021 तक रुपये 221.49 करोड़ का सर्वाधिक मासिक सेल्स टर्नओवर, वर्ष 2021-22 में अमोनिया उत्पाद की सर्वाधिक दैनिक मासिक एवं वार्षिक बिक्री एवं अमोनियम बाइकार्बोनेट का भी सर्वाधिक दैनिक बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसी के साथ में एएनमेल्ट नाइट्रिक एसिड मेथनॉल की भी बिक्री की गई है। इतने कठिन समय में औद्योगिक उत्पाद विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 20 जनवरी 2022 तक रुपये 1800 करोड़ से अधिक वार्षिक सेल्स टर्नओवर हासिल कर नया सर्वाधिक वार्षिक टर्नओवर का कीर्तिमान स्थापित किया है। ट्रॉम्बे इकाई से 15.80 लाख NMQ STP पानी की बिक्री हुई है। जिप्सम के प्रेषण में भी नए सिरे से पहल की गई है एवं 15 जनवरी 2022 तक 62,510 मेट्रिक टन की बिक्री की है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मैं ट्रॉम्बे और थल दोनों इकाइयों के प्रचालन टीम तथा आईपीडी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा चिकित्सा विभाग हम सभी को स्वस्थ रखने हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। चिकित्सा विभाग ने कोविड महामारी के दौरान कर्मचारी तथा उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए हैं। अस्पताल ने नवंबर 2021 से BMC द्वारा सभी के लिए निःशुल्क कोविड जांच की व्यवस्था उपलब्ध, जो आज तक बिना किसी रुकावट के चालू है। टीकाकरण अभियान में 75,000 से अधिक लोगों को आज तक टीकाकरण किया है तथा जेट गेस्ट हाउस में वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारे ADHR शुक्रा मैडम के और हमारे GM एडमिनिस्ट्रेशन शेषाद्री जी के साथ सुश्री डॉक्टर रेखा देवगिड़ा, मुख्य प्रबंधक अस्पताल, और श्री जीतू खान चंदानी, मुख्य प्रबंधक अस्पताल टीम ने प्रयास किए हैं। हमारे निगमित संचार विभाग द्वारा इस वर्ष CSR गतिविधियों में कुल 6.86 करोड़ का योगदान रहे, जिसमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शामिल हैं और कुछ समाज सेवा विषय के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। सतर्कता विभाग द्वारा इस वर्ष स्वच्छ भारत एट 75 सतर्कता से आत्मनिर्भरता के विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। इस वर्ष अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिन्हें आज सराहा जा रहा है वो इस प्रकार से हैं। कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड श्री अनिल गावड़े, महाप्रबंधक हेवी वाटर प्लांट CGP थल इकाई, और श्री संदीप सिंकर जी, महाप्रबंधक तकनीकी ट्रॉम्बे इकाई को दिया जाता है। उप महाप्रबंधक के लिए इस वर्ष का पल अवार्ड श्री शशिकांत उखलकर, उप महाप्रबंधक MES सिविल थल इकाई, और श्री सतीश अडसुदे, उप महाप्रबंधक मिथेनॉल एवं अमोनिया ट्रॉम्बे इकाई को दिया जा रहा है। बेस्ट मार्केटिंग मैन ऑफ द ईयर 2021-22 अवार्ड श्री बजरंग कापसे, उप प्रबंधक विपणन नासिक, श्री S. आनंद प्रभु, उप प्रबंधक विपणन निजामाबाद तेलंगाना, और श्री मनीष चौधरी, मुख्य प्रबंधक IPD को दिया जा रहा है। श्री निदेश भोसले, फायरमैन को बिहाइंड द सीन अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
अच्छे स्वास्थ्य पुरस्कार के लिए श्री सोमदेव पुजारी वरिष्ठ कार्यपाल डॉक्टर विपणन और श्री जीतू खानचंदानी मुख्य प्रबंधक अस्पताल प्रशासन को दिया जा रहा है। इसी के साथ श्री सुनील पवार वरिष्ठ टेक्नीशियन मैकेनिकल, सुश्री प्रीति कुसुमकर वरिष्ठ रसायन तज्ञ और श्री हेमंत शिर्के सहायक सचिवीय ग्रेड 2G को सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी 2021 से नवाजा जा रहा है। इस वर्ष एक्सलेंस वर्क अवार्ड 2021 के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों तथा विभागों को नवाजा जा रहा है। श्री पंकज चावरे वरिष्ठ प्रबंधक केमिकल ने तकनीकी सेवाएं विभाग में, श्री एम के अग्रवाल उप महाप्रबंधक वित्त के अधीन पेरोल एवं PF विभाग ट्रॉम्बे को पूरे टीम को दिया जाता है। श्रीमती मृदुला गुड़बुले सहायक महाप्रबंधक के अधीन कॉरपोरेट फाइनेंस मार्केटिंग फाइनेंस तथा IT टीम के कर्मचारियों को इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मैं पुरस्कार विजेताओं के लिए सभी RCPians और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कई और साथी भी पूरी मेहनत से अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम और भी बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे और RCF को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आगे आने वाले दिनों में हमें कई चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से कुछ है प्लांट सेफ्टी को सर्वोच्च प्राधान्य देना, हमारे प्लांट ऑपरेशन की रिलायबिलिटी में सुधार लाना तथा एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना, पर्यावरण स्नेही कदम उठाना, हमारे प्रोडक्शन लेवल्स एवं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और वेस्टेजेस को कम करना, हमारी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना तथा नई जगह पर व्यापार का विस्तार करना। मुझे विश्वास है कि हम सब वित्तीय वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर कंपनी के कार्य निष्पादन एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यकता अनुसार सुधार करेंगे। कोरोना महामारी के जंग में सभी के प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हमें यह भी मानना होगा कि आगे के सफर में कोविड के नए नए वेरिएंट जैसे समस्याओं के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। आपको और आपके परिवारजनों को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध नए वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे सभी स्तर से सक्रिय सहयोग मिल रहा है। RCF की सफलता में RCF एम्प्लॉयज यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन, RCF कर्मचारी सेना, भारतीय मजदूर संघ, SC ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, स्थानीय लोकाधिकार समिति, SC ST संगठन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज कल्याण मंडल, महाराष्ट्र नवनिर्माण जनाधिकार सेना, RCF क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी माथाड़ी एवं अन्य ठेका कर्मचारी, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही रेलवे, MIDC, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, MPCB, फैक्ट्री इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी संस्थाओं का भी योगदान हमें पूरा पूरा मिला है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे CISF के सारे अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों को, जो कि इन विषम परिस्थितियों में भी RCF के जान माल, संयंत्रों एवं संपदा की रक्षा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए मानव संसाधन, प्रशासन, सिविल, उद्यान, क्रय, निगमित संचार, टाउनशिप इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी, CISF आदि विभागों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन साथियों ने समारोह की सफलता के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। गणतंत्र दिन के इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से देश की सुरक्षा और सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करेंगे और अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाकर विश्व के विकसित देशों में अग्रणी स्थान दिलाएंगे। हम सब साथ में रहकर कदम से कदम मिलाकर सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर अपना लक्ष्य हासिल करेंगे।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे जुटाए जा। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आरसीएफ। हमारा सर्वश्रेष्ठ विपणनकर्ता पुरस्कार की ओर चलते हैं। वर्ष 2020-21 के इस पुरस्कार के विजेता हैं हमारे साथी श्री बजरंग कापसे, उप प्रबंधक नासिक। आपने सुपला 15-15 यूरिया, डीएपी, सिटी कम्पोस्ट, ओपी, एमओपी, मूल वर्धित उत्पाद सुजला, बायोला, माइक्रोला आदि उर्वरकों की अच्छी बिक्री की है, जिससे जिले में आरसीएफ का मार्केट शेयर भी बढ़ा है। आपको सीएमडी साहब के यहाँ तो सम्मानित होते हुए देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। हमारे दूसरे साथी हैं श्री आनंद प्रभु, इनको भी 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बजरंग कापसे के बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के इस पुरस्कार के विजेता हैं हमारे साथी श्री आनंद प्रभु, उप प्रबंधक निजामाबाद। आपने 15-15-15 यूरिया, सिटी कम्पोस्ट, एमओपी और मूल वर्धित उत्पाद सुजला आदि उर्वरकों की सर्वाधिक बिक्री की है। आपके द्वारा बिक्री के प्रयासों के कारण यूरिया उत्पाद के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी भी हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। आपको सीएमडी साहब के हाथों तो सम्मानित होते हुए देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारा अगला पुरस्कार है गुड हेल्थ अवार्ड। गुड हेल्थ अवार्ड में श्री सोमदेव चंद्रकांत पुजारी जी हैं। आप श्री सोमदेव पुजारी जी मूल रूप से पेशे से खिलाड़ी रहे हैं। आपकी खेलों में गहन रुचि व जागरूक